हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। और आज हम लोग करने वाले, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में देख ही लिया है, वोकैबुलरी का पार्ट टू। क्या करने वाले? वोकैबुलरी का पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, इससे पहले मैं चैप्टर वन और चैप्टर टू ऑलरेडी ला चुका हूँ। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कोनोटेशन। अब कोनोटेशन होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना। तो क्या है कोनोटेशन? इज डिफाइंड द सजेस्टिंग ऑफ अ मीनिंग बाय अ वर्ड अपार्ट फ्रॉम द थिंग इट एक्सप्लिसिट नेम्स और डिस्क्राइब्स। यानी बेसिकली शब्द जो लिखा हुआ है उसकी डेफिनेशन जो डिक्शनरी में दी हुई है, जो डिक्शनरी में मीनिंग दी हुई है, वो क्या कहलाते हैं? डीनोटेशन। लेकिन वो वर्ड जिस फीलिंग को बताता है, ठीक है, वो फीलिंग जो है वो कहलाती है कोनोटेशन। ठीक है, तो कोनोटेशन क्या होता है? वर्ड की लिटरल मीनिंग नहीं, उसकी फीलिंग। तो फीलिंग को कौन बताता है? कोनोटेशन। तो जो डिक्शनरी के अंदर किसी भी वर्ड की डेफिनेशन होती है वो कहलाती है डिनोटेशन, जबकि फीलिंग और इमोशन जो होता है, जो उस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसे कहता है कोनोटेशन। कहोगे इसका मतलब क्या है? तो ये वर्ड है फैट एंड चबी। फैट और चबी दोनों के सेम मतलब है कि कोई मोटा इंसान, बींग ओवरवेट। ठीक है, लेकिन जब आप किसी को चबी बोलते हैं, चबी, तो वो क्या है? ज्यादा पॉजिटिव होता है, उस इंसान को उतना बेकार नहीं लगता है। उसे आप फैट बोलो, फैट थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। आप किसी को स्किनी बोलो और किसी को थिन बोलो, तो स्किनी जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, थिन इज ओके, चलो काम चल जाएगा। तो ये चीज होती है, ठीक है। फैट थोड़ा ज्यादा होता है, फैट थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो फीलिंग की बात हो रही है, जब आप चबी बोलते हो तो इंसान को उतना बुरा नहीं लगता, जबकि फैट थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है। इट्स लाइक सिंपल सा कि आप किसी को बोला बड़ा भरा भरा सा लग रहा है, अब मोटा हो गया है, समथिंग लाइक दैट। एक दूसरा है होम और हाउस। दोनों का मतलब तो एक बिल्डिंग ही होता है, दोनों का मतलब एक बिल्डिंग होता है एज पर डेफिनेशन यानी डिनोटेशन। लेकिन जो होम वर्ड है उसकी मतलब क्या होता है कि भाई यहां पर फैमिली रहती है, लव और अफेक्शन होता है, जबकि हाउस का सिंपल सा मतलब होता है कि भैया सीमेंट और कंक्रीट से बनी हुई एक जगह। तो हाउस क्या होता है? सिर्फ एक मकान। लेकिन उस मकान में जब परिवार आता है, जब इंसान आते हैं, मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है, तो ये जो परिवार आता है तो ये कहलाता है हमारा होम, स्वीट होम। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करें तो कोनोटेशन गिव अस इंडिकेशन ऑफ द इमोशन और एसोसिएशन दैट साउंड सराउंड अ वर्ड। यानी एक वर्ड के साथ क्या इमोशन जुड़े हुए, ये हमें कोनोटेशन से पता चलता है। A word's connotation can be either positive or negative and will depend on the context in which it is used. यानी ये किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि भाई क्या बात करना चाहते हो, एंड टू सम डिग्री ऑन द रीडर और द हियरर, यानी जो बोलने वाला है और जो कहने वाला है उसके ऊपर। इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, पी के मूवी में था ना, अच्छा। ये जो वर्ड है उसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है, तो जो फीलिंग जुड़ी होती है वर्ड से, अच्छा का मतलब तो गुड ही होता है, लेकिन जो फीलिंग जुड़ी होती है यही कोनोटेशन में आ जाती है। ठीक है, therefore understanding a word's literal or suggestive meaning is the extreme importance to every speaker or writer. कि कोई शब्द जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है, ये समझना हर स्पीकर और राइटर के लिए जरूरी होता है। On some occasion you may want to use a word that carries a negative connotation on purpose. यानी कहीं कहीं ऐसे शब्द लिखे होते हैं जो जानबूझ के नेगेटिव होते हैं। However, there are times you want to ensure that you do not mistakenly use a word that carries a misleading connotation. yani kabhi kabhi hame dhyan dena padta hai ki bhai ye positive ki jagah negative to nahi ho raha hai. it is of at most importance that we choose our word with care, words with care. aur ye kaise karoge bhai? jab vocabulary ki kya hogi? knowledge hogi. the choice of word can change the meaning of sentence significantly. theek hai, for example describing a woman who is thin, स्क्रॉनी कैरीज अ नेगेटिव कोनोटेशन, लेकिन स्लेंडर कैरीज अ पॉजिटिव कोनोटेशन। स्क्रॉनी थोड़ा ज्यादा कंकाल टाइप का हो जाता है, स्लेंडर एकदम स्मूथ पतली बॉडी हो जाती है, मॉडल टाइप। ठीक है, दोनों ही थिन लड़कियां हैं, लेकिन स्क्रॉनी नेगेटिव होता है जबकि स्लेंडर पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट के अंदर आपको कुछ वर्ड दे रखे जिनकी मीनिंग सेम है लेकिन क्या है, कोनोटेशन अलग है। जैसे वर्बोस और एलोक्वेंट, वर्बोस का भी मतलब और एलोक्वेंट का भी मतलब वही इंसान होता है या वो चीज ही होती है जिसमें कुछ ज्यादा एक्सप्रेस कर दिया गया हो। लेकिन वर्बोस का मतलब होता है नेगेटिव। हमने चैप्टर वन में पढ़ा था कि वुमन्स को वर्बोस माना जाता है, यानी वो जरूरत से ज्यादा वर्ड यूज करती है।
तो वो एक नेगेटिव कोनोटेशन था उसकी, जब हम एलोक्वेंट में यूज कर सकते थे जो कि एक्सेसिवली एक्सप्रेसिव हो, मूविंगली एक्सप्रेसिव हो, किसी भी चीज को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सके। तो एलोक्वेंट पॉजिटिव हो जाता है जबकि वर्बोस नेगेटिव। वही किसी चीज की महक की बात करें तो स्टेंच जो होता है वो नेगेटिव होता है क्योंकि ये बैड ऑर्डर को बताता है, जबकि अरोमा जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ये अच्छे ऑर्डर को बताता है। चीप, आप किसी को चीप बोलो, ऑफकोर्स ये तो नेगेटिव ही है, जो कि कम, एक इंसान कम पैसा खर्च करना चाहता है और एक इंसान सही से केयरफुली पैसा खर्च करना चाहता है, दोनों में फर्क है। तो जो इंसान पैसा खर्च करने से ही डरता है वो चीप है, लेकिन जो इंसान केयरफुली पैसा खर्च करता है वो थ्रिफ्टी है। यंग, यूथफुल, चाइल्डिश, ये वर्ड काफी ज्यादा होते हैं। आप किसी को यंग बोलते हो तो जो इंसान यंग एज का होगा, यहाँ पर यू होना चाहिए, मिसप्रिंट है आईसीएआई की तरफ से, तो हु इज यंग एज वो क्या होगा, न्यूट्रल। अ पर्सन हु मे नॉट बी यंग, ये भी है, बी यंग बट हैज ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ अ यूथ, ये होता है ना बचपन में ही थोड़े से बच्चे होते हैं कि हाँ सही से बिहेव करने लगते हैं, बातों को समझने लगते हैं। और चाइल्डिश कौन होता है, एक इंसान बड़ा हो गया लेकिन बच्चों की तरह बिहेव करे, ठीक है, तो इसलिए चाइल्डिश थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। प्राउड, कॉन्फिडेंट, कंसाइटेड, प्राउड नॉर्मल है, न्यूट्रल वर्ड है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर सकते हो। कॉन्फिडेंट जो इंसान को अपनी एबिलिटीज पर भरोसा हो, पॉजिटिव है, लेकिन कोसाइटेड जो इंसान बहुत ज्यादा घमंडी हो, ठीक है, जो अपने आप को सबसे सुप्रीम समझता है। हेड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, जबकि डिटरमाइंड पॉजिटिव है। अगर आप किसी चीज को करने के लिए अपना एक रखते हो कि भाई मुझे ये करना ही करना है, मेरा एक पोजेशन है, मेरा एक ये क्या है, एक लक्ष्य है, तो आप डिटरमाइंड हो, लेकिन बस आप किसी भी चीज के लिए हुड की तरह घुस जाते हो, मोटी बुद्धि की तरह। हेड स्ट्रॉन्ग, विलफुल एंड डिटरमाइंड, नॉट इजिली रेस्ट्रेंड, इम्पेशेंट एंड वेन गिवन एडवाइस और सजेशन, यानी आप उसे समझाओ वो परेशान हो जाएगा। स्क्रॉनी और स्लेंडर, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। एक्सेप्शनली थिन एंड मर्जर इन बॉडी और साइज, जबकि ग्रेसफुली थिन और साइट, मैंने कहा ना मॉडल वाली बॉडी बोलोगे तो स्लेंडर, डरावनी कंकाल बोलोगे तो स्क्रॉनी। सेम वहीं पर बात आ जाती है क्रिपल्ड और डिजेबल्ड की। क्रिपल्ड क्या होता है, एक इंसान जो कि परफेक्ट नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि डिजेबल्ड का मतलब पता है कि भैया ये फिजिकली, मेंटली, कॉग्निटिव तरीके से कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो डिजेबल्ड इज अ ग्रेट वर्ड, क्रिपल्ड इज थोड़ा डिफरेंट वर्ड। अगर आप लोगों ने अमेरिकाज गॉट टैलेंट देखा है तो उसके अंदर एक आदमी आया था, नो वॉइस मैन, नो वॉइस मैन, ये एक एक्ट था, जीता भी था ये अमेरिकाज गॉट टैलेंट। इसने बोला था कि आजकल लोग डिजेबल्ड की जगह एक वर्ड यूज करने लग गए, स्पेशल, यानी डिजेबल्ड लोगों का जो ओलंपिक्स होता है उसे स्पेशल ओलंपिक्स बोला जाता है, डिजेबल्ड लोगों का जो स्कूल होता है उसे स्पेशल स्कूल बोला जाता है। तो ये कहता है कि मैं डर जाता हूँ ये सुन करके जब कोई बोलता है कि स्पेशल फोर्सेस लड़ने के लिए आ रही है, क्योंकि उसने स्पेशल को किससे डिनोट किया था, डिजेबल्ड से। काफी फनी था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखो, दिस मैन इज रियली अ जीनियस एंड अ मैन टू नो हाउ टू लिव योर लाइफ, ठीक है, सीरियसली मैं रियली रिकमेंड करूंगा, मैं करता नहीं हूं जल्दी रिकमेंड बट मैं इसको तो जरूर करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द वर्ड्स इन ईच ग्रुप हैव सिमिलर डिनोटेशन, यानी मीनिंग सबकी सेम है लेकिन डिफरेंट कोनोटेशन, ठीक। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज दे रखी है वो कर लेते हैं। देखो ये जो ऊपर आपको दे रखे हैं ये 10 क्वेश्चन के करीब दे रखे हैं, इसको इसके अंदर भरना है, लेकिन अगर मैं छोटा करूंगा तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा नहीं, तो मैं यहीं पर बता देता हूँ पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, ठीक है, और न्यूट्रल कौन सा है। ओके, तो देखो अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव की, तो यहाँ पर तो लाइन से ही दे रखा है, गेज आपका पॉजिटिव है, लुक आपका न्यूट्रल है, जबकि स्टेयर आपका न्यूट्रल है, ये आपका नेगेटिव है, न्यूट्रल NU, नेगेटिव NU, ठीक है। अगर आप किसी को परसुएड करते हो, आप किसी को आगे बात को ले जाना चाहते हो, तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि किसी का ब्रेन वॉश करना तो वैसे ही नेगेटिव हो जाता है। इन्फ्लुएंस वन वे और अदर, ये भैया न्यूट्रल है, ठीक है। अगर कोई इंसान डिलेड है, पॉजिटिव, नॉट ऑन टाइम है, न्यूट्रल, टार्डी है, हमेशा ही लेट आता है, लेजी है, नेगेटिव, ठीक है। समवॉट इंटरेस्टेड, नोजी और क्यूरियस, तो सीधी सी बात है आपको पता है क्यूरियस पॉजिटिव होता है और नोजी नेगेटिव, तो ये हमारा डिनोटेशन हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, सेम वहीं पर अगर हम बात करते हैं लेजीली विदाउट हैव लेजरली, तो लेजरली क्या होता है, लेजरली जो काम रईसों की तरह करता है,
लेजीली आलसियों की तरह करता है, रईसों की तरह मतलब आराम से ही करता है, विदाउट हैस्ट बिना जल्दबाजी के करता है, तो ये न्यूट्रल हो गया। लेजरली बादशाहों की तरह, काम धीरे ही कर रहा है लेकिन उसे हमने क्या बोल दिया, बादशाहों की तरह। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये न्यूट्रल। आस्क ऑफ समवन, ये तो पता ही आपको, न्यूट्रल होगा। रिक्वेस्ट पॉजिटिव होगा, डिमांड क्या होगा, नेगेटिव होगा, सिंपल है। गैदरिंग अ लार्ज ग्रुप, मॉब, मॉब तो वैसे भी बदमाश लोगों के ग्रुप को कहते हैं, तो नेगेटिव होगा, हमने देखी हुई है। कौन सी स्टेप अप, स्टेप अप अगर फोर आपने देखी हो तो इसके अंदर था ना एक मॉब ग्रुप है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर गैदरिंग ये क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी, और ये डिनोटेशन क्या होगा, न्यूट्रल, अ लार्ज ग्रुप है ना। डिस्कस विद अदर, ये न्यूट्रल होगा। डिबेट और आर्ग्यू, तो आर्ग्यू नेगेटिव होता है जबकि डिबेट पॉजिटिव होता है, हालांकि हमारे यहाँ डिबेट करने वाले भी झगड़ के आर्ग्यू ही बना देते हैं उसे। किसी चीज को ऑब्जर्व करना, वॉच करना, स्पाई करना, तो ऑफकोर्स स्पाई तो नेगेटिव है, वॉच हमारा क्या है, डिनोटेशन यानी न्यूट्रल, और ऑब्जर्व क्या है, पॉजिटिव। सेम यहाँ पे असर्टिव, पुशी, फर्मली कॉन्फिडेंट, पुशी वर्ड से ही पता चल रहा है नेगेटिव है, असर्टिव क्या है, पॉजिटिव है, और फर्मली कॉन्फिडेंट क्या है, ये हमारा डिनोटेशन यानी न्यूट्रल है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप अपने इस ग्रुप में भर लेना। फिर एक और दे रखा, क्या बोला हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द इटैलिकाइज्ड, इटैलिकाइज्ड ये इटैलिक होता है ना, इटैलिक में जो चेंज करते हैं, जैसे ये वर्ड्स दे रखे हैं जो थोड़े से घुमा के दे रखे हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल में दे रखे हैं। आपको इसके लिए क्या करना है, दो सिनोनिम्स डालने हैं सिमिलर डिनोटेशन के, लेकिन एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्मेल का तो हमने पढ़ा ही था, स्टेंच और अरोमा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। हॉबी, देखो जब आपकी कोई हॉबी होती है, अगर वो एवोकेशन है, एवोकेशन यानी आपको वो करना ही करना है, आपकी डिटर्मिनेशन है, तो वो पॉजिटिव होती है। बट अगर वो आपका ऑब्सेशन बन जाए, यानी जिद बन जाए, अगर वो आपकी ऑब्सेशन बन जाए, तो ये नेगेटिव। जो इंसान एडवेंचरस होता है उसे हम लोग करेजियस कहते हैं, करेजियस। अगर मैं कहता हूँ कि वो करेजियस है तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ फुट हार्डी, उसके कदम कहीं रुकते ही नहीं, तो वो नेगेटिव है। ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है वनरेबल। देखो अगर मैं वनरेबल बोलता हूँ, वनरेबल यानी जिसको जिसकी टूटने के चांसेस बने होते हैं, तो ओल्ड की जगह ओल्ड के लिए क्या करता हूँ, अगर मैं यूज वनरेबल तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं ओल्ड की साथ यूज करता हूँ डिक्रिप्ट, DECREPIT, डिक्रिप्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा इसके, ठीक। असर्टिव, असर्टिव होता है जो थोड़ा प्रेशर डालता हो, तो ठीक है। जो कॉन्फिडेंट होता है, जो इंसान अपने आप में कॉन्फिडेंट होता है, पॉजिटिव, और जो इंसान क्या होता है, बॉसी होता है, जो अपने आगे किसी को समझता ही नहीं, वो नेगेटिव। क्लियर। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ है, डिसाइड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वेदर द स्पीकर इज शोइंग अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ द टॉपिक, देन आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मोस्ट सूट द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। देखो अप्रूवल दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो द रेफ्रिजरेटर इज, बट सोहम डिड नॉट माइंड पेइंग एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ द न्यूमरस यूजफुल फीचर। तो ये तो एक तो पहली बात है कि हाँ कह रहा है, और दूसरा ये पॉजिटिव बात कर रहा है, तो ओवर प्राइज्ड नेगेटिव होगा, एक्सपेंसिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट वर्ड होगा एक्सपेंसिव होगा। शिव तोमर एंड हिज हैव कंट्रोल्ड द मैनेजमेंट इन द हिज इन दिस कंपनी फॉर ओवर 14 इयर्स नाउ, आई विश अंद्रम चटर्जी इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट दिस टाइम। शिव तोमर एंड हिज एम्प्लॉयज हैव कंट्रोल्ड द मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज हो गए उसके नौकर, क्रोनीज हो गए उसके साथ ही, तो ऑफकोर्स हम पॉजिटिव की बात करेंगे और क्रोनीज इसका करेक्ट आंसर बनेगा। होपफुली आई वोंट हैव टू शेयर ऑफिस स्पेस विद मिसेस सिंह, शी कैन बी वेरी, तो तुम उससे डर रहे हो, तो क्यूरियस तो नहीं बोलोगे, वो बहुत ज्यादा नोजी हो जाती है इसीलिए तुम उनसे डर रहे हो। नेक्स्ट, प्लीज आस्क रोहित टू टर्न डाउन द वॉल्यूम, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू कॉन्सेंट्रेट विद ऑल दैट। यहाँ पर दे रखा है नॉइस और म्यूजिक। देखो जब आप किसी चीज को इच्छा से सुनते हो तो म्यूजिक होता है, पर यहाँ आप उससे परेशान हो तो ये नॉइस होगा, म्यूजिक यहाँ पर गलत वर्ड होगा, ठीक है। मिस्टर नायर हैड बेटर बी वेरी ऑफ हिज न्यू नेबर मिसेस बनर्जी, शी इज डैश वन, तो क्राफ्टी है या क्लेवर है, तो क्राफ्टी होता है। यहाँ पर क्या बोला कि हैड बेटर बी वेरी, वेरी का मतलब यहाँ पर क्या है, संभल के रहना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही ज्यादा चालाक, क्लेवर सिर्फ चालाक के लिए होता है,
क्राफ्टी जो चीजों को घुमा के बात कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर ब्रदर हु इज रेदर एंड डिग्निफाइड। तो क्या बोला हुआ है, हु इज रेदर रिजर्व और एंटी सोशल। तो एंटी सोशल एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, हु इज रेदर रिजर्व एंड डिग्निफाइड ये पॉजिटिव होगा, एंटी सोशल थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, असामाजिक नहीं ना, रिजर्व ठीक है। माई फ्रेंड कांट स्टैंड हर मदर इन लॉ हु इज वेरी, क्या होगा, शी हैज अ लॉट ऑफ मनी बट रिफ्यूज टू हेल्प अदर्स। तो माइजर होगी, माइजरली होगी, कंजूस सासू माँ। द न्यू सेल्स वुमन टेंड्स टू बी डैश एंथुसियास्टिक या खुशी बोला हुआ है व्हाइल डीलिंग विद द कस्टमर। तो हम पॉजिटिव, शी इज स्कैरिंग देम अवे, डरा के भगा देती है। एंथुसियास्टिक पर्सन कभी डरा के भगाएगा, खुशी होगी वो। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। ये क्या है, इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले ना, इन्होंने इस बार कुछ नया ऐड किया आईसीआई वालों ने, तो इनको बस समझ लो आप लोग, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि जार्गन वर्ड्स क्या होते हैं। जार्गन इज अ टर्म दैट इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ स्पेसिफिक फ्रेज एंड वर्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन प्रोफेशन और ट्रेड, यानी ऐसे शब्द जो किसी खासी जगह पर यूज किए जाते हैं। दीज स्पेशलाइज्ड टर्म आर यूज्ड टू कन्वे हिडन मीनिंग एक्सेप्ट एंड अंडरस्टूड इन दैट फील्ड, यानी जो सिर्फ उसी फील्ड में किया जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये कॉमर्स वाले फटाफट समझ जाएंगे, पर सब नहीं समझेंगे इस चीज को। व्हाइल द यूज ऑफ जार्गन इज ऑफन यूजफुल और नेसेसरी फॉर दोज विद इन द ग्रुप, इट इज यूजुअली मीनिंगलेस टू द आउटसाइडर, जो मैंने अभी बात बोली है। जार्गन इज समटाइम्स रॉन्गली कंफ्यूज्ड विद स्लैंग्स, स्लैंग थोड़ी अलग चीजें हो जाती है, एंड पीपल ऑफन टेक इट इन द सेम सेंस, बट अ डिफरेंस इज ऑलवेज देयर। क्या है, स्लैंग में और जार्गन में मतलब समझ। स्लैंग का मतलब क्या होता है, ये एक इनफॉर्मल कैटेगरी होती है लैंग्वेज की, जो कि एक कम्युनिटी के द्वारा बनाई जाती है, जैसे माय मैन, यो मैन, ओके, गना गो, ये चीजें क्या है, स्लैंग है, गना गो। ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ वर्ड और फ्रेज हुज लिटरल मीनिंग आर डिफरेंट देन द एक्चुअल मीनिंग। ठीक है, कि एक्चुअल मीनिंग कुछ और होती है, हम कहते हैं आई एम गोइंग टू बी हाई। ठीक है, There is a bird in the sky. अच्छा, आप लोगों ने अगर एवेंजर देखी होगी तो एवेंजर के अंदर ना उन्होंने लास्ट में जो फाइट होती है, तो वो बोलते हैं कि निक फ्यूरी को बोलती है हमारी जो कैप्टन हिल होती है, सर देर आर टू बर्ड्स ऑन रनवे। तो वो बर्ड्स जो वर्ड यूज किया है वहां पर, वो उन्होंने जेट के लिए यूज किया है। सिंपल, एक्चुअल मीनिंग से अलग है, ये स्लैंग है। Hence it is not understood by people outside of that community or circle. Slang is more common in spoken language than written. Spoken में ही हम लोग slang का ज़्यादा use करते हैं। जबकि jargon क्या होता है? ये broadly associated होता है किसी subject से, occupation से, business से, that make use of standard word or phrases and frequently compromised of observation, such as LOC, loss of consciousness, or TRO, temporarily restraining order, या फिर अभी जो एक आई थी मूवी आई है अभी आपकी टुमारो, और ठीक है तो वो बोलते हैं KIA, देयर इज अ KIA, किल्ड इन एक्शन, किल्ड इन एक्शन, तो ये KIA बोलते हैं, देयर इज अ KIA। देखना वो मूवी, देखना जब आपका पहला ही सीन है ना, जब हमारा क्रिस प्रैट था, जो क्रिस प्रैट है वो पहली बार जाता है फ्यूचर में, तो वहां जो फाइट होती है, तो KIA बहुत बार यूज किया गया है उसमें वर्ड, किल्ड इन एक्शन। तो ये क्या है, स्लैंग नहीं है, जार्गन है, कि फाइटर ही समझ सकते हैं कि KIA का मतलब क्या होता है। हाउएवर, अनलाइक स्लैंग, इट्स टर्म्स आर डेवलप्ड एंड कंपोज्ड डेलिबरेटली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोफेशन, यानी एक प्रोफेशन के लिए ही बनाए जाते हैं। वी कैन सी द डिफरेंस इन टू सेंटेंस गिवन बिलो, क्या जरा देखते हैं। लिस्ट ऑफ जार्गन, क्या बोला हुआ है, जार्गन कैन बी फाइंड इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स फ्रॉम लॉ टू एजुकेशन टू इंजीनियरिंग। कुछ दे रखे, क्या दे रखे, जैसे कि ड्यू डिलीजेंस, यानी इसका मतलब होता है रेफर टू द रिसर्च दैट शुड बी डन बिफोर मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन, यानी कि भैया डिसीजन करने से पहले जो चीज रिसर्च करनी चाहिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू डिलीजेंस। एवॉल, एबसेंट विदाउट लीव, ये मिलिट्री में होता है यूज, जैसे मैंने KIA की बात की, मिलिट्री के लिए होता है ये। हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी प्रिंटेड कॉपी होती है ना, तो प्रिंट आउट को बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी बोला जाता है, ठीक है, बट हम लोग हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी से काम चलाते हैं। कैश, कैचे बोलते हो ना, कैश, ठीक है।
इन कंप्यूटिंग, ये पता है कि अगर आप कैश की बात करें तो किसी ना किसी टेक्नोलॉजिकल टर्म की बात करते हो, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। डी के डेक अ जर्नलिज्म टर्म है जिसका मतलब होता है सब हेडिंग, यूजुअली वन और टू सेंटेंस लॉन्ग दैट प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी अबाउट द आर्टिकल। स्टैट, ये भी आपने देखा हो मेडिकल में भी होता है, गिव मी द स्टैट। अगर आप लोगों ने द गुड डॉक्टर या ग्रेज एनाटॉमी जैसे शो देखे हैं तो वहां पर ये बहुत ज्यादा यूज होता है, गिव मी द स्टैट इमीडिएटली, ठीक है, एज इन कॉल द डॉक्टर स्टैट। ये इसके लिए भी होता है, जरूरी के लिए भी होता है, कॉल द डॉक्टर स्टैट, तो स्टैट का वर्ड यहां पर किसके लिए, इमीडिएटली, तुरंत तो बुलाओ। स्टैट का मतलब ये तो होता ही है कि मेरे को इसके बारे में बताओ कि क्या है, लेकिन यहां पर इसका मतलब है जल्दी के लिए, ठीक है। जैसे प्रिपेयर द ओटी स्टैट, यानी कि जल्दी से ऑपरेशन थिएटर को क्या करो, करो तैयार करो। फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ये कॉम्प्लेक्स टर्म है जो कि फैट मॉलिक्यूल सराउंडिंग ऑफ सेल के लिए बोला जाता है, जिसको हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, उसी का एक और नाम है, सबने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। डेट्रिटिवोर, डेट्रिटिवोर ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डेट्रियस या डेड मैटर पे खाता है, जिसे जैसे अर्थवॉर्म हो गया, सी कुकुम्बर हो गया, मिलीपेड्स हो गया, तो ये सिंपल सा किसके लिए हो गया, बायो वालों के लिए हो गया, अपना कोई काम नहीं है यहाँ पर। हॉलिस्टिक, ये किसके लिए होता है, कंप्रिहेंसिव या कंप्लीट के लिए। हॉलिस्टिक का एजुकेशनल प्रोफेशनल के द्वारा ज्यादा यूज किया जाता है, इसका मतलब ये होता है सोशल इमोशनल लर्निंग इन एडिंग टू ट्रेडिशनल लेसन, जब ट्रेडिशनल लेसन को सिखाया जाता है और कंप्लीट किया जाता है तो उसे हॉलिस्टिक बोलते हैं। मैजिक बुलेट, ये थोड़ा सा अलग है, जब आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो और उसका एक सिंपल सॉल्यूशन निकाल दो तो उसके लिए होता है मैजिक बुलेट। और बेस्ट प्रैक्टिस तो पता ही है, ये अडॉप्ट किया जाता है व्हेन इट हैज प्रूवन इफेक्टिव, ठीक है, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा यूज की गई है तो उसे हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी कर देते हैं। वही कुछ हमारे बिजनेस जारगोन्स भी है, जैसे बैंग फॉर द बक, ये किस लिए यूज किया जाता है, मोस्ट फॉर द मनी। देखो ये इस बार दिया गया है तो ये याद कर लेना लिस्ट, क्योंकि पहली बार है, पहली बार में चांस है कि आईसीआई यहां से उठा करके दे। हाँ अगली साल से ये वाले वर्ड रहेंगे या ये बाहर से डालेंगे कोई गारंटी नहीं, पर इस बार तो चांसेस है। बेस्ट प्रैक्टिस हमने उबर भी पढ़ा था, जो कि एक तरीका हो किसी चीज को करने का। कोर कॉम्पिटेंस यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ड्यू डिलीजेंस, हमने बात की रिसर्च की। ड्रिल डाउन, प्रॉब्लम को देखो ढंग से, ठीक है, ये आप अगर सीआईए एफबीआई जैसे शो देखोगे उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। लो हैंगिंग फ्रूट यानी कि बहुत जल्द आसानी से जो प्रॉब्लम फिक्स की जा सकती है। स्केलेबल, एन एंडेवर दैट कैन एक्सपेंड विदाउट अ लॉट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई ऐसी परेशानी जिसको आप, कोई ऐसा बिजनेस जिसको आप आराम से फैला सकते हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। स्वेट इक्विटी, ये तो अपने कॉमर्स वालों का है सिंपल सा, गेटिंग अ स्टेक इन द बिजनेस इंस्टेड ऑफ पे, यानी कि जब कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को पे करती है कि भैया सैलरी नहीं देंगे हम आपको, इक्विटी दे देते हैं। 9 to 5 जो हमारा स्टैंडर्ड वर्क डे होता है, हम उसके लिए बोलते हैं 9 to 5, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यूज होता है। चीफ कुक एंड बॉटल वॉशर, अ पर्सन जिसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस जारगोन है, यहाँ तो बहुत कम दे रखे हैं, इसके अलावा बहुत है, आप लोगों को नेट पे ये सर्च करने पड़ेंगे क्योंकि पता नहीं होता, हालांकि पहली बार है तो हो सकता है आईसीआई इन्हीं में से दे, बट गारंटी नहीं है, क्योंकि हुआ यही था कि जब 2018 में पहली बार इंग्लिश लाई गई थी तो इन्होंने बुक के अंदर से दिया था, लेकिन अब ये बुक के बाहर से देना चालू कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो आपको सर्च करने हैं, पढ़ने हैं। सो दैट्स बीन सेड, यहाँ पे अपना मैं पार्ट टू ओवर कर रहा हूँ। अगला जो पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये देखना चाहिए तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, अगर आपको ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी सजेशन है या कोई भी कंप्लेन है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आके आप कमेंट करें ताकि मुझे भी हेल्प मिले। बाकी थैंक यू, बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।